तो हमारे पास पथ निर्माण विभाग था और उस समय नितिन गडकरी जी के पास मौत विभाग था, और भले ही अलग अलग पार्टियों से आते हों लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं, मंत्री हैं, और विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं बल्कि वो लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज को देखते हैं कि हमारा राज और देश जो है कैसे बढ़ेगा। और काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है, भले ही उस समय हम 18 महीने के लिए ही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय भी जो बिहार को 200 करोड़ CRF फंड मिलता था, तकरीबन उस समय भी 200 को बढ़ा करके इन्होंने 1000 CRF फंड उस समय दिलवाने का काम किया था। 2010 में लगभग 53 आरओबी जो थे वो फंसे हुए थे, जब हम उप मुख्यमंत्री बने जब इनके पास गए तो 53 आरओबी जो है उनका इन्होंने क्लियरेंस देने का काम किया। और यही नहीं, हर तरीके का, चाहे SH के कई 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर NH में कन्वर्ट कराना हो उसमें भी इनका लगातार जो है सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहा। और हम तो कहेंगे हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है, और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए उस नेता जो है, चाहे कोई मंत्री हो।